गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम अपना प्रीवियस चैप्टर द इंडस सिविलाइजेशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको इकोनॉमी में जो है कल आपको एग्रीकल्चर बताया था, अब उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ट्रेड भी था इनकी इकोनॉमी में। द इकोनॉमी डिपेंडेड ऑन ट्रेड, इकोनॉमी पूरी तरीके से ट्रेड पे डिपेंड थी। ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद इन द सिविलाइजेशन, और उसके जो व्यापार था और भी दूसरी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था, एज वेल एज विद मेसोपोटामिया एंड पार्ट ऑफ इजिप्ट। मौसम उस समय एक मेसोपोटामिया भी सिविलाइजेशन था और उसके साथ वो ट्रेड करता था और पार्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट जो है आज के टाइम में हम उसे मिस्र के देश के नाम से जानते हैं, उसके कुछ भागों से वो ट्रेड करता था। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लेट टू कार्स एंड अर्ली बोट्स, और उसके जो टेक्नोलॉजी थी, जो कार्स बोट्स थे जिससे वो अपने सामानों को पहुँचाते, जिससे वो लकड़ी की बनी गाड़ियाँ होती थी या जो बोट्स होते थे वो काफ़ी उन्नत होते थे। एंड दैट वर यूज एज द मेन मेथड ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल, और उसी का वो लोग इसी मेथड का यूज़ वो लोग अपने ट्रेड और ट्रेवल में करते थे, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यापार थे वो समुद्री रास्तों से होते थे। अब हम रिलीजन जानते हैं कि जो ये इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन से रिलीजन के थे, कौन से धर्म को वो लोग बिलीव करते थे। बेसिक हिंदुज्म वाज वन ऑफ द मेन रिलीजन प्रैक्टिस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेनली जो माना जाता है कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे। आफ्टर इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द आर्यन, जब से वहाँ आर्यंस, ये जो आर्यंस ने ही इस धर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। रिसर्चर्स हैव फाउंड स्वस्तिका टू सिंबल जर्नली टेक्स द फॉर्म ऑफ यूकिलेट्रल क्रॉस। वहाँ पे जो रिसर्चर है जिन्होंने वो खोज करे थे, वहाँ उनको एक स्वस्तिक का निशान मिला है। वो देखिए साइन आपको यहाँ दिख रहा है, वो उसकी उसको शुभ मानते थे हिंदू गॉड्स शिवा एंड रुद्रा, और वो भगवान जो उनके हिंदू गॉड होते थे वो शिव या रुद्र होते थे। वो भगवान शिव या रुद्र भगवान की पूजा करते थे। एंड मदर गॉडेस सिम्बोलाइजिंग फर्टिलिटी, और वो देवियों की पूजा जो है अपने आने वाली जनरेशन के लिए या उसको बनाए रखने के लिए उनमें भी विश्वास करते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द स्टिल इज ए पॉलोथेटिस्टिक, और वहाँ के लोग जो थे एक ही धर्म को नहीं, वो लोग कई भगवानों में विश्वास करते थे और कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। सोशल स्ट्रक्चर, अब देखते हैं उनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, उनका जो सामाजिक वो कितने रूपों में बटे हुए थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन सोशल स्ट्रक्चर वॉज एट द फर्स्ट बेस्ड ऑन द स्किन कलर, ऐसा माना जाता है उन लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो उनकी सामाजिक जो एक भूमि थी वो उनके कलर्स पे, मतलब या तो उनका जो कलर होता था स्किन का उसके ऊपर डिपेंड थी। टुडे द इंडस वैली हैज कास्ट सिस्टम विद द फोर क्लासेस, और आज की तरह उस समय भी जो था फोर कास्ट सिस्टम होता था, और पूरा जो सोशल उनका स्ट्रक्चर था वो चार भागों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मिन्स प्राइस्ट एंड द किंग, ये जो ब्राह्मिन्स होते थे या तो ये पुजारी होते थे और या किंग हो सकते थे। दूसरा था क्षत्रिया, ये वॉरियर्स होते थे, और एस्ट्रोकेट्स रूलर्स, ये या तो योद्धा होते थे बड़े बड़े या ऊंची जातियों के रूलर्स होते थे। तीसरा है वेश्या, ये जो होते हैं ये कल्टीवेशन का काम करते थे, आर्टिसन होते थे या मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी वर्ग जो है तीसरे वर्ग में आता था। और चौथा है शूद्रा, इसमें या तो पीजेंट्स होते थे या सर्व्स होते थे, ये वो होते थे पीजेंट जो उनके नौकर चाकर होते थे, या सर्व्स होते थे जो वो लोग खेती करते थे एग्रीकल्चर रिसोर्स के लिए, वो लोगों को हमेशा एक बंधक बना के रखते थे कि उनका वर्क जो काम होता था उनके खेतों में हमेशा के लिए होता था, ऐसा उनका सोशल स्ट्रक्चर था। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, हम टुमारो क्लासेस में फिर इसके आगे भाग पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको केवल थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।